माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा लुक आया है इस रेसिपी का। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही टेस्टी चिकन की एक नई रेसिपी बनाना बताएंगे, बहुत ही टेस्टी, बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, लाल मिर्च लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला पाउडर लेंगे 1 चुटकी, हल्दी लेंगे 1 चुटकी, 1/2 टेबल स्पून लेंगे हम साबुत धनिया। साबुत मसाले में हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून कलवंजी और 1/2 टेबल स्पून साबुत मसाले। अचार और कौरमे मसाले का पैकेट में से 1-1 चम्मच लिया है हमने। लाल मिर्च ली है ग्राइंड की हुई 2 टेबल स्पून, 2 टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने ब्रिक ब्रिक से लंबा लंबा काट लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर लिया है, लहसुन पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून हमने ब्रिक कटा हुआ अदरक लिया है। तीन अदरक मैंने प्याज दिए हैं जिसे मैंने ब्रिक ब्रिक से काट लिया है, इस तरह ब्रिक ब्रिक आपने भी काट लेना है। बिल्कुल चिकन अच्छी तरह से हमने टेस्टी है। देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर और बाकी मसाले ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। अभी हम इसे सॉफ्ट करते हैं। हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं, मज़ीद और सॉफ्ट करेंगे, फिर बाकी मसाले ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे। देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐसे ऐसे बाकी मसाले ऐड करते हैं, एक एक करके आपने सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं। इस तरह खाने की खुशबू और जायका बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। जैसे ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ्राई हुआ गोश्त डाल देंगे। मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे अपने मेहमानों को लाजमी पेश करें, बहुत ही झटपट बन जाती है। अब हम इसमें ये मसाला हमारा बन गया है, थोड़ा सा इसमें बाकी मसाला ऐड करेंगे। अब ऐसे ऐसे सारे मसाले ऐड कर देने हैं। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छी तरह से भुन गया है और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। अब हम इसमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब जब हमारा ये मसाला फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और उसे मसाले में अच्छी तरह से पकाएंगे। चलिए तो हमारा मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसमें चिकन डालते हैं। 1 kg चिकन लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चिकन चला गया इसके अंदर, अब चिकन के भुनने का इंतज़ार करते हैं। हमारा चिकन भी बस मसाले के अंदर मिक्स होने वाला अच्छी तरह से। जैसे ये मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमारी हंडिया समझे बनके रेडी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये देखिए हमारी रेसिपी कितनी मज़े की बनी है, जो कि आप सामने खुद देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मसाले कम पसंद है तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है, अब इसमें बॉल में डिश आउट कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी रेसिपी देखिए कितनी मज़े की है, इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़े का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करें और यहाँ क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।